Hello guys, welcome back to our channel, Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give our reaction on official teaser of the movie 83. Yes. Okay, so this is a very well requested and well required expected video. And this is Ranveer Singh ka video hai. Ranveer Singh ka movie, naya yes. movie jo hai 83 Kapil Dev sir jeevani ke upar. Yes. Kapil Dev sir ke upar. So I think in 1983 mein jo World Cup jeete the, to mostly around uske upar hi hoga, right? Yes. Ye बहुत दिनों से इंस्टाग्राम में बोलिए, फेसबुक में बोलिए, शायद पैंडेमिक से पहले से हम देखते जा रहे थे एक लुक का, पिल्लेव का जो वो बॉल जो पकड़ते ना उस टाइप से एक लुक दिया हुआ था, पूरा कर्ली हेयर एकदम लगा के बहुत रिजेंबलिंग लग रहे थे, रिजेंबलेंस तो बहुत जबरदस्त था। तो फाइनली आज टीजर रिलीज हो गया एंड दिस मूवीज ट्रेलर इज गोइंग टू रिलीज ऑन 30th November. यस, एंड द मूवी इज गेटिंग रिलीज्ड इन 24th December 2021 इन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम लैंग्वेज. सो मेनी लैंग्वेज. चलो बहुत बहुत मजा आएगा, इतने सारे लैंग्वेज में है तो पैन इंडिया मूवी ये बन गया है, एकदम सब देखेंगे, सबके लिए मजा का बात है. एंड चलिए देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद बात करेंगे. बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए. यस, एंड आल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. या तो चलो शुरू करते हैं. यस, this will be the pleasure to eyes for all the cricket lovers. Oh, all the cricket lovers. Yes. This is amazing, outstanding, and really this is the मजा आएगा और सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो ये फेवरेट मूवी हो सकता है, राइट? हाँ, मतलब इसमें इंडिया का जो विक्ट्री है उसके ऊपर ही पोर्ट्रे करके बनाया गया है. टीजर क्या जबरदस्त टीजर मतलब निकाला है लोग. ट्रेलर देखने के लिए मैं तो एकदम बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि ट्रेलर में शायद कपिल देव जी का थोड़ा बहुत जीवनी के ऊपर पता चलेगा कि वो कैसे थे जिंदगी में, क्या क्या अचीव किए, कैसे स्ट्रगल किए, क्रिकेट लाइफ क्या क्या फेस किए. हाँ, ये सब चीज ये मूवी में शायद मतलब ट्रेलर के थ्रू और अच्छे से क्लियर आउट होगा. ये तो टीजर था छोटा सा, इसमें इस टीजर में हम ग्लिम्स नहीं देख पाए. नहीं, स्मॉल पोर्शन दिख रहा था बट उतना क्लियर नहीं, उतना क्लियर नहीं था कि कपिल देव जी का है. मतलब क्या बताए, ऐसा टाइप का मूवी तो साल में एक बार आना ही चाहिए गाइस, जहाँ पे पैट्रियोटिज्म लोगों के अंदर एकदम भर भर के उभरे. यही तो मतलब जरिया होता है मीडिया, किसको कहते हैं, यही मूवीज वगैरह बनाना या फिर कोई भी वेब सीरीज बनाना, उसमें ये सब झलक रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस. और खास करके हमेशा मारपीट वो सब अच्छा नहीं लगता है, वो सब मूवी और ज्यादा अच्छा लगता है जो जिस मूवी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है विद इन मींस वर्ल्ड फोरम पे. यस, तो ये उस टाइप का है, एक वर्ल्ड फोरम पे ये रिप्रेजेंट हुआ है, इंडिया जीत गया था और सभी लोगों के लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था. बाप रे, उस टाइम मतलब सही में 1983 को तो हम तो बर्थ भी नहीं लिए थे, लेकिन अभी सोच करके भी मतलब गूजबम्स आ रहे हैं कि उस टाइम का माहौल कितना चैलेंजिंग रहा होगा. उस टाइम सब चीज मतलब इतना तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं था उस टाइम, राइट? फिर भी वहां पे जाके रेडियो पे सुनते थे. वी में बताने समझ सकता हूँ, रेडियो में लोग सुन करके उस चीज को कैसे सेलिब्रेट किए होंगे, करते थे सेलिब्रेशन किए, मतलब क्या नहीं किए. आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस मूवी. मुझे मुझे फील हो रहा है कि ऐसा ऐसा ग्लिम्स भी होगा कि लोग इंडिया में रख करके रेडियो में सुन रहे हैं. हाँ, क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सबके दिल के धड़कन तेज हो गए होंगे. हाँ, इस टाइप से भी होगा इस मूवी होगा. पैंडेमिक से पहले जब इसका लुक पोस्ट निकला था, एकदम फर्स्ट लुक पोस्ट ऑफ रणवीर सिंह
वो कपिल सर जी का एकदम भूमिका में, ही वाज लुकिंग डैम गुड इन दैट, मतलब पूरा लग ही नहीं रहा था, पूरा डीटो था, 92 to 95% मैच मुझे तो लग रहा है। हाँ, मैं उस टाइम से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस मूवी को लेके, एंड उस टाइम तो नाम पता नहीं था H3, उस टाइम लगा था कि शायद कपिल देव ऐसा कुछ नाम होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा एक हटके टाइप का टाइटल भी है, 1983 का 83 लेके वो नाम दिया, राइट, 25 जून को जो हिस्ट्री हुआ था, सबको याद रहेगा। हाँ, 83 ये बहुत अच्छा हुआ, एंड मतलब वो तो वर्सेटिलिटी बहुत दिखाते हैं अपने एक्टिंग में, रणवीर सिंह को अगर आप जानते हैं, ही इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, एंड मतलब जो भी एक्टिंग उसके उनके ऊपर दिया जाए ना, वो पूरा पूरा एकदम फारू करके एक्टिंग करके निकल जाते हैं, तो बंदा अच्छा है, टू गुड है, तो मुझे तो काफी एक्सपेक्टेशन है उनको लेके, उनका एक्टिंग को लेके, ये मूवी बहुत बहुत जबरदस्त होने वाली है। म्यूजिक कौन दिया ये पता नहीं चला अभी तक, टीजर तो देखना पड़ेगा डिटेल्स में, इसमें तो उतना डिटेल्स नहीं लिखा हुआ है, शायद 30 नवंबर को जब ट्रेलर निकलेगा उस टाइम म्यूजिक बीजीएम कौन दिया नहीं दिया, और वैसे भी मेबी गूगल में अवेलेबल होगा, वो हम चेक कर लेंगे एक बार, क्योंकि बीजीएम जो पीछे बज रहा था ना, वो अपने आप ही अंदर एकदम गूज़बम्स वगैरह क्रिएट कर रहे थे, आई वॉज होपिंग के जनगण मन चालू ना हो जाए, नहीं तो हम बैठ नहीं सकते, फिर से खड़े हो जाना था, राइट, रेस्पेक्ट, राइट, मैं बोल रही हूँ वही, तो मतलब काफी अच्छा था एकदम, टू गुड टीजर है गाइज, आपको कैसा लगा प्लीज बताइए इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन बाय।